हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय, मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूं एंड मैं सक्षम ऑर्थोपेडिक्स के साथ गुड़गांव में एसोसिएटेड हूं। आजकल एक चलन है, एवरीबडी वांट्स टू बी फिट, एवरीबडी ट्राइज टू गो टू द जिम। वो कोशिश करते हैं कि हफ्ते में कम से कम 4 या 5 दिन निकालें एंड जिम में जाके एक्सरसाइजेस करें। सो, सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि जिम में एक्सरसाइजेस में क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग दैट आई यूजुअली आस्क पेशेंट्स टू अवॉइड इज ट्रेडमिल ना करें। ये एज अ शॉकर आएगा क्योंकि सबसे कॉमनली जब हम जिम में जाते हैं हम सबसे पहले ट्रेडमिल पे ही चढ़ते हैं एंड दौड़ना शुरू कर देते हैं। बट येस, आई एम सेइंग नो, ट्रेडमिल्स अवॉइड करना है। रीजन, सबसे पहले ट्रेडमिल का जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है वो नेचुरल सर्फेस के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चाहे आप बेस्ट क्वालिटी शू पहन के क्यों ना दौड़ रहे हैं, ट्रेडमिल पे जब आप दौड़ते हैं उसका ग्राउंड रिएक्शन इतना ज़्यादा होता है विच हैज़ अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द बोन्स ऑफ द लेग्स एंड द नी जॉइंट एज वेल। अगर आप ऑलरेडी किसी काइंड ऑफ नी इंजरी या लेग इंजरी से सफ़र कर रहे हैं तो ये ट्रेडमिल उसको फर्दर वर्सन कर सकता है। सेकेंड, जो मैंने कॉमनली देखा है, अपने भी जिम में देखा है कि लोग ट्रेडमिल को फुल इंक्लाइन करके रन करते हैं, जो अगेन बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायी है एंड डेट्रीमेंटल है। इंक्लिनेशन पे कभी भी नहीं दौड़िएगा, दैट अगेन पुट्स अ लॉट ऑफ लोड ऑन द जॉइंट्स एंड ऑन द मसल्स एंड ऑन द बोन्स एंड इफ पॉसिबल ट्राई कंप्लीटली टू अवॉइड द ट्रेडमिल्स। दूसरा, सबसे कॉमन मैं देखता हूँ, लोग जाते ही हैवी वेट्स उठा के पंप करना शुरू कर देते हैं। नो, वेट, आपके मसल्स अभी तैयार नहीं हैं, आपको ग्रेजुअली वेट्स को बढ़ाना चाहिए। जब भी आप जिम में गए हैं, अगर आप नए नए हैं जिम में, देन डेफिनेटली गेट अ ट्रेनर। इनिशियल फेज में थोड़े वार्म अप्स होंगे, बॉडी को एंगेज करने के लिए मल्टीपल एक्सरसाइजेस होंगे जो बॉडी के हर पार्ट के मसल्स को थोड़ा थोड़ा फायर करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी, एंड देन फ्रॉम दैट यू बिल्ट अप, जिसमें हम ग्रेजुअली वेट्स को बढ़ाते हैं एंड फाइनली द ट्रेनर फाइंड्स अ सूटेबल वेट लिमिट फॉर योर बॉडी, जिसके बियॉन्ड जाने से आपके बॉडी को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। अच्छी बॉडी एंड अच्छे कट्स केवल इस पे नहीं निर्भर करता कि आप वेट कितना उठा रहे हैं, बल्कि आपके नंबर ऑफ रेपिटेशंस, प्रॉपर पोस्चर एंड प्रॉपर टेक्निक पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ इस पे भी डिपेंड करता है आप कितना अपने आप को फिट रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैलोरी बर्निंग। अगर आप रेगुलरली जिम में जा रहे हैं, देन अगेन डोंट डू द फर्स्ट सेट विद द हैवीएस्ट ऑफ वेट्स। बहुत लोग ये करते हैं, नहीं करना चाहिए। हमेशा आपका फर्स्ट वेट लाइट वेट का होना चाहिए, चाहे उसके रेप्स ज़्यादा हो। फिर मसल्स एक बार वार्म अप हो गए हैं, खुल गए हैं, देन यू गो ऑन टू द हेवियर वेट एंड हेवियर वेट के साथ नंबर ऑफ रेपिटेशंस कम रखें। लास्टली, मेक श्योर यू आर नॉट स्किपिंग योर फ्लूइड इनटेक और वाटर व्हाइल यू आर जिमिंग। मैंने अपने जिम में भी देखा है, लोग आते हैं, एक सिप पीते हैं, 1.5 घंटा जिम करते हैं जिसमें पूरे 1.5 घंटे में पानी नहीं पीते हैं और जाने से पहले फिर 2 सिप पीते हैं। नहीं, आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो बॉडी को नुकसान होगा। आइडियली कोशिश कीजिए हर सेट के बाद या हर 2 सेट के बाद 1-1 घूंट पानी लीजिए। रेगुलर इंटेक ऑफ वाटर विल कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, योर मसल्स हाइड्रेटेड, डिक्रीज द चांस ऑफ इंजरी एंड ऑल्सो मेक योर जिमिंग एक्सपीरियंस इंजॉयबल। जुड़े रहिए हमारे साथ स्पोर्ट्स इंजरीज एंड जिम के बारे में और जानने के लिए। हम आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन बांटते रहेंगे, देते रहेंगे। होप यू स्टे फिट, स्टे हेल्दी।